हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेनो क्विड का सीरीज चला रहे हैं अभी, और सभी गाड़ी का ईएमआई निकाल रहे हैं, सभी गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस भी निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, उसी हिसाब से ये जो अगली गाड़ी है रेनो क्विड का जो मॉडल है वो है रेनो क्विड RXL। जी दोस्तों, 800 cc का गाड़ी है RXL मॉडल। ये सबसे वैल्यू फॉर मनी कार है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पावर विंडोज मिल जाते हैं, इसमें आपको 14 इंची का व्हील मिल जाते हैं, ABS EBD भी मिल जाते हैं, इसमें आपको फ्रंट पावर विंडोज भी मिल जाते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही अच्छी दिखने वाली गाड़ी है ये, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है और माइलेज भी बहुत ही अच्छी देती है ये गाड़ी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा टॉपिक के, और हमारे टॉपिक जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इस रेनो क्विड RXL मॉडल का हम लोग निकालेंगे एक्सोरूम प्राइस, RTO, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, ऑन रोड प्राइस। देन जो सेकेंड सेशन में हम लोग बात करेंगे डाउन पेमेंट, 10 ईयर इंटरेस्ट रेट और EMI के ऊपर। जी दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे हैं जो कि लोन पे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि पूरा सीधा कैश में गाड़ी खरीदना चाहते हैं। दोनों के लिए वीडियो अच्छी होने वाली है, दोनों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए एंड तक। जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ उसे नोट भी आप लोग कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले, अगर इस चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल DotoBlog एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रेनो क्विड RXL 0.8 मॉडल है, जो कि 800 cc का गाड़ी है, 800 cc का इंजन है इसमें, और इसका अगर एक्सोरूम प्राइस हम लोग देखेंगे तो हमको आ जाएगा तकरीबन 3,99,800 रुपये। जी दोस्तों, लगभग 4 लाख आपको आ जाएगी एक्सोरूम प्राइस। देन RTO आपको पे करना होगा तकरीबन 26,792 रुपये। जी दोस्तों, 26,792 रुपीज आपको देनी होगी RTO के लिए। उसके बाद इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस आपको पे करना होगा इंश्योरेंस के लिए, वो है 13,727 रुपये। जी दोस्तों, 13,727 रुपीज आपको देनी होगी इंश्योरेंस के लिए। लॉजिस्टिक के लिए आपको पे करना होगा 7080, यानी कि 7,080 रुपये आपको देना होगा लॉजिस्टिक के लिए। और जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये फास्टैग चार्जेस जो है 500-600 में होता है, तो इसमें आपको फास्टैग चार्जेस देनी होगी तकरीबन 500 रुपये। उसके बाद अगर हम देखते हैं ऑन रोड प्राइस, तो हम देखेंगे ऑन रोड प्राइस जो है दिल्ली के हिसाब से देखने वाले हैं, दिल्ली के हिसाब से ऑन रोड प्राइस इसका आ जाएगी तकरीबन 4,47,899 रुपये। जी दोस्तों, 4,47,899 रुपीज आपको आ जाएगी ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी दिल्ली के हिसाब से प्राइस। अगर आपको जानना है आपके शहर में कितना प्राइस है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो है जो है EMI सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, EMI सेक्शन में, यानी कि जो लोग लोन पे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो लोग EMI करके गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ऑफ फ्रंट पेमेंट जो देनी होगी, इसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आपको आ जाएगी तकरीबन 88,079 रुपये। जी दोस्तों, मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट मैं बता रहा हूँ वो है 88,000 के करीब आपको आ जाएगी डाउन पेमेंट। देन आपको टेन्योर जो है आपको आ जाएगी 5 साल, यानी कि 60 मंथ्स। जी दोस्तों, आप चाहे तो 6 साल या 7 साल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल जो है, नॉर्मली बहुत सारे लोन्स होते हैं, बहुत सारे कार लोन्स होते हैं, तो हम 5 साल को ही कवर कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट सबसे जो अहम चीज़ है, इंटरेस्ट रेट वो है आपको 9.5%। जी दोस्तों, 9.5% आपको आ जाएगी इंटरेस्ट रेट। अगर आपको कम इंटरेस्ट में लोन चाहिए तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बहुत जल्दी व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट आपको 9.5% आ जाएगी। अगर आपको आपका प्रोफाइल अच्छा है तो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट में आप गाड़ी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपने डाउन पेमेंट दे दिया, आपने टेन्योर आपका 5 साल हो गया, इंटरेस्ट रेट आपका 9.5% हो गया, देन EMI जो आपको आ जाएगी वो है तकरीबन 7,556 रुपये। जी दोस्तों, 7,556 रुपीज़ आपको आ जाएगी EMI। तो दोस्तों
अगर आप ये ईएमआई देते हो 60 मंथ के लिए 7500 के करीब, तो आप ये गाड़ी को ले सकते हैं। और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बहुत ही सही गाड़ी है, सही कार है, आप मैं बोल सकता हूँ, स्पेशियस है और एंट्री लेवल के मामले में बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा इन्फॉर्मेशन मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसका एक अपर सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए सेफ ड्राइव, लव यू ऑल, थैंक यू।